पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वारेन के मुनरो स्थित ऑकल्ट म्यूजियम में आज भी एनावेल नाम की डॉल लोगों के बीच सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। एनावेले डॉल एक रेगेडियन डॉल है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें एक दुष्ट आत्मा का वास है। एनावेले गुड़िया की कहानी 1970 के दशक में शुरू हुई जब डोना नाम की एक युवा नर्सिंग छात्रा को अपनी माँ से उपहार के रूप में ये गुड़िया मिली। डोना और उसकी रूममेट एंजी ने देखा कि गुड़िया अपने आप चलती हुई प्रतीत होती है और कभी कभी वे इसे अलग स्थिति में पाते हैं, जैसे कि उन्होंने इसे पहले छोड़ा था। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ उनकी कल्पना थी, लेकिन जल्द ही उन्हें शक होने लगा कि कुछ और ही भयानक खेल चल रहा है। लड़कियों ने तब ध्यान देना शुरू किया जब वे नहीं देख रही थी तो गुड़िया के चेहरे के भाव बदल जाते थे और कभी कभी उन्हें घर के आसपास छोटे छोटे नोट मिलते थे जो उन्होंने नहीं लिखे थे। लड़कियों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने गुड़िया को उड़ते हुए और अपने आप कमरे में घूमते देखा है। गुड़िया के व्यवहार के बारे में चिंतित डोना ने लॉरेन वारेन और उनके पति एड वारेन नामक एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से संपर्क किया। वारेन ने जाँच की और निर्धारित किया कि गुड़िया में किसी आत्मा का वास है। वारेन के अनुसार गुड़िया में एनावेले हिंगिस नाम की एक युवा लड़की की आत्मा का वास था जिसकी उस प्रॉपर्टी पर मृत्यु हो गई थी जहां डोना और अंजी रहते थे। वारेन का मानना था कि एनावेले की आत्मा ने खुद को गुड़िया से जोड़ लिया है और अब इसे किसी इंसानी शरीर की जरूरत है। वारेन ने गुड़िया को अपने कब्जे में ले लिया और इसे म्यूजियम में एक अलमारी में बंद कर दिया। म्यूजियम में पर्यटकों को भी चेतावनी दी गई कि वे गुड़िया को ना छुएं और किसी भी तरह से उत्तेजित ना करें, क्योंकि ये माना जाता है कि गुड़िया के अंदर की आत्मा नुकसान पहुंचा सकती है। सावधानियों के बावजूद गुड़िया द्वारा लोगों को नुकसान पहुंचाने या डराने की कई घटनाएं सामने आई हैं। एक मामले में एक व्यक्ति ने गुड़िया को ताना मारा और बाद में वही व्यक्ति एक कार दुर्घटना में मारा गया। एक अन्य मामले में युवकों का एक समूह म्यूजियम में घुस गया और कथित तौर पर गुड़िया का मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ दिनों बाद एक एक करके उन सब की मृत्यु हो गई। आज एनावेले गुड़िया दुनिया में सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद प्रेत बाधित वस्तुओं में से एक है, जबकि कुछ का मानना है कि गुड़िया सिर्फ और सिर्फ कल्पनाओं के उत्पाद से ज्यादा कुछ नहीं है। एनावेले गुड़िया वास्तव में प्रेत बाधित है या नहीं, लेकिन यह एक आकर्षक और भयानक वस्तु बनी हुई है जो दुनिया भर के लोगों को मोहित और भयभीत भी करती है। तो ये थी एनावेले डॉल की पूरी हकीकत। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।